तो गाइज हर एक यूट्यूबर की प्रॉब्लम होती है, यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आते। हम हमारे यूट्यूब चैनल पे 100 वीडियो अपलोड कर दिए, 200 वीडियो अपलोड कर दिए, बट हमारे व्यूज ही इंक्रीज नहीं हो रहे। 100 से 150 व्यू आते या तो 200 व्यू आते, कोई अच्छी सी वीडियो बना ले तो उसमें 1K तक व्यूज आ जाते हैं। बट आप दोस्तों अपनी यूट्यूब चैनल पे कुछ गलतियां करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी आप गलतियां करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो वीडियो होती है वो रैंक नहीं करती है और आगे तक नहीं जा सकती है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है उसे भी आप समझने में कुछ गलतियां करते हैं, उसकी वजह से आपकी यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आते। तो 5 ऐसी गलतियां के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छा कर लेंगे या तो आप उसे फॉलो कर लेंगे तो आपके व्यूज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ कि आपने वो गलतियाँ मान ली और एक दिन के अंदर आपकी यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। तो ऐसा होता तो मेरे चैनल पे भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाते, हर वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आ जाते। बट आप कुछ गलतियाँ करते हैं उसके बारे में बात करने वाले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवें पॉइंट से स्टार्ट करते हैं या तो 1 पहले पॉइंट तक जाना काफी सेफ रहेगा। तो बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले आती है वीडियो क्वालिटी की बात। आप अपनी YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तभी आपके पास एक अच्छा सा कैमरा नहीं होता है, आप मोबाइल से भी डाल सकते हैं। YouTube पे कई सारे यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो बनाई है कि आपको अपनी YouTube चैनल पे व्यूज लाने के लिए एक अच्छा सा सेटअप होना जरूरी है, एक अच्छा सा कैमरा होना जरूरी है, आपका जो माइक होता है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होना जरूरी है, उसके बाद ही आप यूट्यूब पर ग्रो कर पाएंगे, व्यूज ला पाएंगे। तो आपके माइंड सेट में ऐसा ही सेट होता है कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा लाइट नहीं है, मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, तो आपकी यूट्यूब चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपके पास अगर मोबाइल है, एक छोटा सा माइक यूज करते हैं, या तो आपके पास अगर लैंप वाली लाइट है तो उससे भी आप अपने यूट्यूब चैनल का करियर बना सकते हैं, उसे भी आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मल सा खर्चा करना है, उसके लिए आपको जो आपकी मार्केट होती है उसमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी है तो इस सारी चीज़ों की वजह से कम प्राइस में जो मिलते हैं उससे भी आप अपने YouTube चैनल की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे भी आप ग्रो हो सकते हैं, धीरे धीरे आपके व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे तो व्यूज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। YouTube पे सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है? एक, आपको अच्छा सा सेटअप होना जरूरी है, या तो आपका जो बोलने का तरीका होता है उसे भी आप फॉलो करते हैं, यानी कि आप बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं तो उसके टॉपिक पे ही आप अपने YouTube चैनल पे लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं। बट वो क्यों आपको देखेंगे? क्योंकि उन्हीं की चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डली हुई है। तो आपको क्या करना है, एक न्यू टॉपिक पे वीडियो बनानी है, जिस टॉपिक पे यूट्यूब पे अभी तक काफ़ी कम जो वीडियोस बनी है उस टॉपिक पे ही आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनानी है। और ऐसे टॉपिक आपको फाइंड करने के लिए आपको VIDIQ जो एक्सटेंशन होता है गूगल क्रोम में आसानी से मिल जाता है, या तो आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप ट्यूबबडी एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे कितने सारे वीडियो बने हुए हैं, और इतने वीडियो बने हुए ज़्यादातर जो वीडियो होता है वो बना हुआ है तो उस टॉपिक पे आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस नहीं डालने हैं, क्योंकि उस टॉपिक पे काफी सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई हुई है तो लोग, आप न्यू यूट्यूबर है तो आपकी वीडियो क्यों देखेंगे? तो उस टॉपिक पे भी आपको फॉलो करना है, यानी कि फोकस करना है कि यूट्यूब पे जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनी है उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। अभी हमने यूट्यूब पे वीडियो तो बना ली है जिस टॉपिक पे काफ़ी कम वीडियो बनी है, बट उसमें आपको टाइटल जो होता है उसे आपको स्केची रखना है, यानी कि आपको लोगों की नज़र में आना है, उस वजह से आपको कुछ ऐसा टाइटल रखना है जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल हो और आपका वीडियो जो होता है उस पे ज्यादा लोग क्लिक करें। क्लिक अच्छी होने की वजह से आपकी YouTube चैनल पे जो क्लिकबेट होता है वो क्लिकबेट बढ़ेगा और YouTube का एल्गोरिदम उसे देखेगा और ये वीडियो अच्छी है तो उसकी वजह से भी आपकी जो वीडियोस होती है वो आगे तक जा सकती है। तो इस वजह से आपको टाइटल क्या रखना है, आप अगर उसमें हिंदी वर्ड डालते हैं और हिंदी वर्ड में अगर कोई भी ऐसा यूट्यूबर है, मान लीजिए कि अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो वो इंग्लिश वर्ड हो गया, अभी न्यू यूट्यूबर आएगा तो वो क्या सर्च करेगा, YouTube चैनल को किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं? तो ऐसा ये टाइटल जो होता है, मान लीजिए कि हाउ टू ग्रो YouTube चैनल, YouTube चैनल को किस तरह से ग्रो किया जाए, तो ये दोनों जो टाइटल होते हैं उसमें क्या डिफरेंट होता है वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। न्यू यूट्यूबर होता है उसे ज़्यादातर इंग्लिश नहीं आती होगी, तो अगर
जो हिंदी वाले यूट्यूबर है यानी कि हिंदी वर्ड में वीडियो बनाते हैं, तो वो यही सर्च करेंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टाइटल रखना है और नॉर्मल सा टाइटल रखना है और आपको 3 वर्ड में अपना टाइटल रखना है, जिसकी वजह से आपका जो टाइटल होता है वो अच्छा सा होना चाहिए और जो आपका टाइटल होता है वही आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है। डिस्क्रिप्शन में डाल देने के बाद आपको वहाँ पर टैग लाइन में भी आपका टाइटल होना चाहिए, जो आपने अपना जो टाइटल होता है उसमें कुछ कीवर्ड आपको रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग, ये तीनों जगह पर आपको वो डालना है। उसकी वजह से भी आपकी वीडियो ज़्यादातर वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह भी आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। अभी बात आती है दूसरे पॉइंट के बारे में। तो आपको क्या करना है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर खर्चा कर देते हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल का अच्छा सा थंबनेल नहीं बना पाते। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप मोबाइल से थंबनेल बनाते हैं, बट मोबाइल में भी काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसके थ्रू आप अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं। तो आपको नॉर्मल सा थंबनेल रखना है, जिसकी वजह से जो क्लिकबेट होता है वो नॉर्मल थंबनेल की वजह से ही होता है। मान लीजिए कि एल्ग्रो जो होता है वो अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर येल्लो और रेड थंबनेल का यूज़ करता है, और ज़्यादातर जो सौरभ जोशी है वो अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी थंबनेल पर कुछ भी वर्ड नहीं लिखता है, बट उनकी वीडियो पे व्यूज आते हैं क्योंकि नॉर्मल सा थंबनेल है। और क्या करते हैं ज़्यादातर लोग कि न्यू यूट्यूबर होते हैं तो पूरा भरचक थंबनेल बना देते हैं, यानी कि कुछ जगह पर भी नहीं बचती है तो पूरा कीवर्ड से भर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एकदम से नॉर्मल सा थंबनेल बनाए, उसकी वजह से भी आपका जो थंबनेल होता है क्लिकबेट होना चाहिए। रेड या येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई भी डिफरेंट सा कलर है उसे भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर यूज़ कर सकते हो। और आपको एक अच्छी तरीके से थंबनेल बनाना है तो आपको जो पिक्सेल लैब होती है एप्लीकेशन उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी है तो काफ़ी अच्छा है, उसमें आप फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल में भी काफ़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। उसमें आपको ओनली फॉर आपका कीवर्ड ही डालने की ज़रूरत है और आपका फोटो होता है उसे भी आप उसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो मोबाइल के थ्रू भी आप थंबनेल बना सकते हैं, तो क्लिकबेट थंबनेल की वजह से भी आपकी यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है कि वीडियो क्वालिटी वाला वीडियो होना चाहिए। यानी कि अभी आप सोचेंगे कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, माइक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी वजह से हमारा जो वीडियो होता है वो क्वालिटी वीडियो होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा सा कैमरा है, अच्छा माइक है, अच्छा सेटअप है, बट आपके वीडियो में दमी नहीं है तो आपका वीडियो कभी भी आगे तक नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक दिन के अंदर वीडियो डालने की वजह से आप अपनी YouTube चैनल पे ज़्यादातर वीडियो डाल देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 30 देश के अंदर आप 30 वीडियो डालने की वजह से आप जो हड़बड़ी में वीडियो बनाते हैं उसके लिए आप अपना कीवर्ड नहीं रिसर्च कर पाते, टाइटल नहीं रिसर्च कर पाते, आपका जो टॉपिक होता है उसका भी रिसर्च नहीं कर पाते। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आप एक हफ्ते के अंदर एक वीडियो डालेंगे और वो क्वालिटी वाला वीडियो होगा, यानी कि उसमें आपको अच्छे से नॉलेज दिया है जो कि लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, तो उस वीडियो को आपको एक वीक तक चलेगा और आपका वीडियो धीरे धीरे वायरल होगा, तो वो सारे व्यूज आप उस एक वीडियो से ही रिकवर कर पाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो क्वालिटी कंटेंट आपको देना काफ़ी जरूरी है, और आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होता है उसे आपको शेयर करना है। उसकी वजह से ही आपकी YouTube चैनल पे धीरे धीरे व्यूज आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अपने YouTube चैनल स्टार्ट की और आपकी YouTube चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आना स्टार्ट हो गया। आपको धीरे धीरे स्ट्रगल करना है, YouTube चैनल पे लगातार काम करना है, क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करनी है, और इसी तरह से आप अपने YouTube पे सक्सेस हो पाएंगे। सक्सेस होने के बाद आपकी YouTube चैनल पे धीरे धीरे व्यूज भी आएंगे और आप YouTube पे एक सक्सेस यूट्यूबर बन पाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 पॉइंट जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो सारी गलती को आपको सुधारना है, उसकी वजह से आप YouTube पे आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट वाले वीडियो देखने को मिलेंगे, तो उसे जाके भी आप वॉच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।